दोस्तों, इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि जीडीएस फॉर्म भरते समय जो गलती हो गई थी, नाम में, जन्मतिथि में, फादर नेम, मदर नेम, चाहे डेट ऑफ बर्थ या किसी प्रकार की भी कोई अगर गलती है तो उसको कैसे सुधारेंगे। ठीक है, चलिए, यह हम इस समय हम जीडीएस पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और वहाँ से हम सबसे पहले चलेंगे अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म पे। यहाँ पर दिखेगा आपको एडिट एंड करेक्शन। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें एक नया विंडोज़ खुल कर आएगा, इस तरह का ऑप्शन खुल के आएगा और इसमें क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के लिए दे रहा। जैसे हम रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला जो प्रोसेस होगा बोल देगा कि ओटीपी हैज़ बीन सेंड योर मोबाइल नंबर। जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगी। ओटीपी जाने के बाद इसमें आप इंटर करेंगे ओटीपी और इसमें हम अपने नंबर पर गई हुई ओटीपी को इंटर करने जा रहे हैं। हमने अपना ओटीपी फिल कर लिया है और फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्लीज़ नोट दैट यू कैन ओनली एडिट द फॉलोइंग फील्ड्स, नेम, फादर नेम, आधार नेम, वेदर एम्प्लॉयड, एनओसी अवेलेबल, प्रेजेंट एड्रेस का और परमानेंट एड्रेस। कहने का मतलब इसमें यह है कि नाम, फादर नेम, आधार नंबर जो भी है एम्प्लॉय का और कहाँ आप काम करते थे, एनओसी के अलावा पेरेंट्स, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में संशोधन कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नोटिफिकेशन यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ करेक्शन विच इज विल रिफ्लेक्टेड इन योर ओरिजिनल एप्लीकेशन विथ इफेक्ट विथ योर 20 फरवरी 2023। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो भी आप करेक्शन करेंगे उसका एक प्रिंट आउट ले लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे हम कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म बटन क्लिक करने के बाद हमारा जो संशोधन फॉर्म है खुलकर आ जाएगा सामने और उसमें हम क्या करेंगे कि अपना जो भी संशोधन करना है उसमें हम संशोधन करेंगे। इसमें हमारा जो नाम में संशोधन करना है वही गलत हो गया था, इसको हमने संशोधन कर लिया है। ठीक है, और संशोधन करने के बाद और चेक कर लेंगे कहीं और गड़बड़ी नहीं है। जैसे करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम अपने सबमिट बटन पर क्लिक कर रहे हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद पूछ रहा है कि आप जो भी इस करेक्शन किए हैं इसके बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप अपना करेक्शन देख सकते हैं। देखने के बाद आप एग्री करने के बाद सबमिट कर सकते हैं। सबमिट जैसे ही करेंगे सबमिट बटन पर क्लिक किया तो हमने जो भी फॉर्म था वह फिल होने के बाद एक नया एक नए पेज की तरफ आ गया और यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं। जो हमारा करेक्शन है उसको हम प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से जीडीएस फॉर्म में गलती को सुधार सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद।